بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. I'm Ammar Mujahid and you are watching the first lecture of this group theory course. इस लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे जो हम आगे ग्रुप थ्योरी में हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है मैप और उसकी टाइप्स हम स्टडी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, हमें मैप को डिफाइन करने के लिए हमें दो सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स की ज़रूरत है। लेट कर लेते हैं कि एक्स और वाई हमारे पास दो सेट्स हैं और देन हम मैप को डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कैसा रिलेशन है वो लिखा हुआ इधर के मैंने। ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट एक्स मैप विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अ सेट वाई, यानी कि जो हमारे पास एक्स सेट है उसका हर एलिमेंट वाई के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। ये कंडीशन है किसी रिलेशन की फंक्शन होने के लिए, ठीक है। इसकी नोटेशन ये है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, और इसको बोलते हैं इस तरीके से कि एफ इज़ अ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। मैप यानी कि फंक्शन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो इसके आगे कुछ टाइप्स हैं जिसमें फर्स्ट वन है इंजेक्टिव या फिर वन वन। तो इंजेक्टिव मैप एक्चुअली मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी इंजेक्टिव इफ एवरी इमेज इन वाई हैज़ अ प्री इमेज इन एक्स, सॉरी हैज़ अ यूनिक प्री इमेज इन एक्स, ठीक है। यानी कि वाई के अंदर जितने भी इमेज होंगे उन सब के जो प्री इमेज एक्स के अंदर होंगे वो यूनिक होने चाहिए। मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि हर ऑर्डर पेयर एक्स के हर ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। एक्स वन यानी कि अगर कोई भी दो हम एक्स वन और एक्स टू लेते हैं अगर वो आपस में इक्वल नहीं है तो उनके इमेजेस भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए किसी भी मैप का इंजेक्टिव मैप होने के लिए, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंटली हम ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कोई दो इमेजेस लेते हैं जो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है उनके जो प्री इमेजेस हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। मैथमेटिकली इसको या इस तरीके से लिखते हैं या फिर इस तरीके से लिखते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर इक्वल आर द सेम, ठीक है। इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इसके इंजेक्टिव मैप के हवाले से कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मैंने एक सेट लिया है एक्स विच इज़ वन टू थ्री विच कंटेनिंग थ्री एलिमेंट्स, और एक सेट वाई है विच कंटेनिंग फोर एलिमेंट्स ए बी सी डी, ठीक है। और एक एफ इज़ अ फंक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, उसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि वन मैप कर रहा है बी पर, इस तरह टू मैप कर रहा है ए पर, और थ्री मैप विद सी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कंफर्म है कि ये मैप तो है क्योंकि एक्स का हर एलिमेंट वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, ठीक है। अब अगली चीज़ हम देखने के ये इंजेक्टिव है या नहीं है। देखिए अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ें इफ़ एवरी इमेज इन वाई हैज़ अ यूनिक प्री इमेज इन एक्स, उसकी मदद से देख लेते हैं, यानी कि ये इमेज है, ए इमेज है, इसका प्री इमेज टू है, यूनिक है, ठीक है, और कोई इसका प्री इमेज नहीं है। इस तरह ये भी इमेज है, इसका प्री इमेज वन है विच इज़ यूनिक, सी का इमेज, सी भी इमेज है और इसका प्री इमेज थ्री है जो कि वो यूनिक है। इसका मतलब है हम जो ये मैपिंग हमने डिफाइन की है इसको हम कह सकते हैं कि इंजेक्टिव मैप है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें एक्स सेट है जो वन टू और थ्री है, इसी तरह वाई सेट है ए बी और सी, ठीक है, हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि हर प्री इमेज का इमेज का प्री इमेज यूनिक है या नहीं। ए इमेज है, इसका प्री इमेज टू विच इज़ यूनिक, ठीक है। इसी तरह बी हमारे पास एक इमेज है लेकिन इसका प्री इमेज थ्री भी है और वन भी है जो कि यूनिक नहीं है, दो इमेजेस प्री इमेजेस इसके आ गए हैं, इसका मतलब हम इसको इंजेक्टिव मैप नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर हम इस स्टेटमेंट की मदद से इसको चेक करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स पिक अप टू एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच इज़ नॉट इक्वल, यानी कि वन और थ्री में लेता हूँ आपस में इक्वल नहीं है। हमारे पास कंडीशन क्या है कि इनके प्री इमेजेस हैं, सॉरी जो इनके इमेजेस हैं वो भी इक्वल नहीं होने चाहिए इंजेक्टिव के लिए। वन का इमेज बी है, थ्री का भी बी है जो कि सेम है, लेकिन इधर लिखा था कि इक्वल नहीं होने चाहिए इंजेक्टिव के लिए। इसका मतलब है कि इधर क्योंकि वन और थ्री आपस में नहीं इक्वल लेकिन बी इनका इमेज जो सेम है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इंजेक्टिव मैप नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी सब्जेक्टिव या फिर ऑन टू मैप। ये भी मैप की एक टाइप है, इसकी तीन एक्चुअली टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंजेक्टिव जो हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड वन इज़ सब्जेक्टिव या इसका नाम ऑन टू भी है, ठीक है, और लास्ट वन इज़ अ बाइजेक्टिव मैप, ठीक है। सब्जेक्टिव मैप एक्चुअली एक ऐसा मैप होता है, लेट्स सपोज के एफ इज़ अ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई,
इसको हम सब्जेक्टिव कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट इन दिस वाई हैज अ प्री इमेज, यानी कि वाई में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का प्री इमेज होना लाजमी है, ठीक है। इंजेक्टिव में तो हमने पढ़ा था ना कि हर एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज, ठीक है, उसमें था यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट इन वाई हैज़ अ प्री इमेज, उसका हर एलिमेंट वाई का उसका जो प्री इमेज है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एंड ए बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक हो गया। ये सब्जेक्टिव मैप की डेफिनेशन है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट एक्स है जो कि 1, 2, 3 है, और इसी तरह एक सेट वाई हम इसको डिफाइन करते हैं 4, 5, 6, और एफ इज़ अ मैप बिटवीन दीज टू सेट, इज अ रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डिफाइन किया कि 1, 6 पे जा रहा है, 2, 5 पे एंड 3, 4 पे। अब हमने अगर ये कंडीशन देखनी है कि एवरी एलिमेंट इन वाई हैज़ अ प्री इमेज, 4 का प्री इमेज यस एग्जिस्ट करता है, 5 का एग्जिस्ट करता है, और 6 का भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने मैप डिफाइन किया है ये सब्जेक्टिव मैप है, ठीक है। इसको हम इस डेफिनेशन के ज़रिए भी देख सकते हैं कि हर फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू वाई, फॉर ऑल आई मीन अगर हम 4 लेते हैं तो 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 फंक्शन इज एक्चुअली रूल है ना एक, हम जब 3 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह हम 5 पर अप्लाई कर 5 को लेकर भी ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, अगर हम 5 लेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, इस तरह अगर 6 लेंगे तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया। यह डेफिनेशन है सब्जेक्टिव मैप की। देखिए हम जो डेफिनेशन इसकी एग्जांपल्स ले रहे हैं वो सिंपल छोटे छोटे सेट्स हैं, ठीक है। आमतौर पर अगर आप कोई भी फंक्शन देखते हैं ना एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसके बैक एंड पर फंक्शन दो सेट काम कर रहे होते हैं वो एक्चुअली रियल नंबर्स होते हैं, उसमें हम डोमेन जो है वो भी रियल देते हैं और जो कोड मेन है वो भी रियल नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने तो छोटे छोटे दो सेट्स लेते हैं लिए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इधर मैंने फंक्शन डिफाइन किया जी कोई फंक्शन है इस सेट एक्स और वाई के बिटवीन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये मैंने मैपिंग डिफाइन की है कि ए 3 पर जा रहा है, बी 1 पर और सी 4 पर जा रहा है। अब इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम देखें कि ये जो 1 है इसका प्री इमेज भी है, यानी कि 1 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके प्री इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अगर हम ये डेफिनेशन यूज़ करें फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। यानी कि अगर मैं इधर इसको लिखना चाहूँ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एंड ए बिलोंग्स टू एक्स, 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ व्हाट, हमारे पास यहाँ पर जो एफ में वैल्यू पुट करने के लिए कोई हमारे पास इधर आंसर नहीं है क्योंकि 2 का प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब हम इसको कहेंगे कि ये जो मैप हमने डिफाइन किया ये सब्जेक्टिव मैप नहीं है, ठीक है। और लास्ट एक चीज़ रह गई थी वो है बाइजेक्टिव मैप। सिंपल है ये कि अगर कोई भी मैप हम डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, इसका हम बाइजेक्टिव तब कहेंगे अगर ये मैप 1, 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इंजेक्टिव वाली थी ना जिसमें हमने कहा था कि एवरी प्री इमेज हैज़ अ यूनिक इमेज, सॉरी एवरी इमेज इन वाई हैज़ अ यूनिक प्री इमेज, यानी कि वाई में जितने भी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं उनका प्री इमेज जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि इस केस में भी यूनिक है और अगर हम उधर देखें तो उधर भी यूनिक है, इस इमेज का इसका इमेज जो सॉरी ये इमेज है इसका प्री इमेज भी यूनिक है, ये भी इमेज है इसका प्री इमेज भी यूनिक है, और इस तरह 4 का जो प्री इमेज है वो भी यूनिक है, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। इंजेक्टिव वाली कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई कर रही है, वो कैसे कर रही है कि हमारे पास 4 का जो प्री इमेज है यूनिक है, 5 का भी यूनिक है और 6 का भी यूनिक है, और अभी सब्जेक्टिव वाली भी हमने देख ली है कि ये सब्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो हमने मैपिंग डिफाइन की है ये जो मैपिंग बाइजेक्टिव मैपिंग है, ठीक है। बट इन दिस केस हमारे पास जो ये क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है इसलिए हम इसको बाइजेक्टिव मैप नहीं कह सकते, ठीक है। इधर से आपको शायद एक और चीज़ भी आइडिया हुआ होगा कि बाइजेक्टिव मैप होने के लिए एक्स और वाई, यानी कि दिस सेट जिन दो सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है
उन दोनों की कार्डिनेलिटी, उन दोनों का ऑर्डर वो सेम होना चाहिए, देन ही हम उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है जी कंपोजिट मैप, इसको हम फंक्शन कंपोजिशन भी बोलते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास दो मैप्स हैं, फर्स्ट वन इज़ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, और सेकेंड वन इज़ जी फ्रॉम जी टू एक्स। देन द कंपोजिट फंक्शन या फिर कंपोजिट मैप को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफ नॉट जी फ्रॉम जी टू वाई, इनके जी इसकी डोमेन होगी और जो वाई है हमारे पास वो इसकी कोडोमेन होगी, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन है कि जो फर्स्ट फंक्शन है एफ उसकी डोमेन और जो सेकेंड फंक्शन है जी उसकी कोडोमेन आपस में सेम सेट होने चाहिए, वो एक ही सेट होने चाहिए, ठीक है। देन दिस जी फ्रॉम दिस जी टू दिस वाई, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं फंक्शन कंपोजिशन, एफ नोट जी, ठीक है। इसको हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि एफ नॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस जी, ठीक हो गया। और दिस कंपोजिशन ऑफ मैप, दिस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई तीन फंक्शन हो एफ जी और एच, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, एफ नॉट जी नॉट एच इज इक्वल टू एफ नॉट जी ब्रैकेट क्लोज नोट एच, ये जो कंडीशन हमें पता है क्योंकि एसोसिएटिविटी है, फंक्शन कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, उसका मतलब है वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आइडेंटिटी मैप, कोई भी सेट अगर हम लेते हैं एक्स, लेट्स सपोज आइडेंटिटी मैप को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं, ये मैप होता है एक्स सेट से इट्सेल्फ, ठीक है, और हर एलिमेंट को उसी पर मैप करते हैं, क्योंकि हमारे पास डोमेन और कोडोमेन में सेम सेट्स हैं, तो हर एलिमेंट कोई भी एलिमेंट पकड़ेगा, वन पकड़ेगा तो उसको वन पर मैप करेगा, टू पकड़ेगा उसको टू पर मैप करेगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैप। और इसी से आगे मिलता जुलता है इनवर्स ऑफ अ मैप, कोई भी हमारे पास मैप गिवन हो तो उसका इनवर्स किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है, वो लिखा हुआ ये, द इनवर्स ऑफ अ मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ एन अदर मैप जी विच इज़ अगेन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, सच दैट अगर हम इनकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लें, अगर एफ नॉट जी लें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैप आएगा वाई से वाई में, अगर हम जी नॉट एफ लें, यह भी फंक्शन कंपोजिशन है, इस तरह भी हमारे पास आइडेंटिटी मैप ही आएगा, लेकिन इस बार एक्स से एक्स में जाएगा वो, ठीक है। आइडेंटिटी मैप हमें पढ़ा ना कि सेम सेट से सेम सेट में जाता है, तो अगर एफ नॉट जी हम लेते हैं तो वो वाई से वाई में जाएगा, अगर हम जी नॉट एफ लेते हैं तो वो एक्स से एक्स में जाएगा, ठीक है। इसकी नोटेशन ये है जी एफ इनवर्स, अगर एफ फंक्शन है जो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन हम उसको इसे डिनोट करेंगे, यानी कि इस जी को, अगर ये जी इस एफ का इनवर्स है देन हम इस जी को एफ इनवर्स भी लिख सकते हैं। एक और बात के अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन वो कन्फर्म है कि वो यूनिक होगा, एक से ज़्यादा इसके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, किसी एक अनदर किसी एक फंक्शन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और एक और नोट है, एक क्रोलरी आप कह सकते हैं इसको, अ मैप हैज़ एन इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है, इनवर्स तब ही एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने सबसे पहले मैप की डेफिनेशन स्टडी की, उसके बाद इसके टाइप्स को स्टडी किया, यानी कि इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हमने कंपोजिट मैप, आइडेंटिटी और इनवर्स ऑफ अ मैप, ठीक है। ये चीज़ें एक्चुअली हमने ग्रुप थ्योरी में यूज़ करनी है, ये मेन टूल्स हैं जिसको हम ग्रुप थ्योरी में यूज़ करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप से ही स्टार्ट करें। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर वन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।